विभाग के यहाँ के ऊपर इंशाल्लाह 10 मई को एक प्रोग्राम रखा गया है जो जन्नतुल बकी में और जन्नतुल माला जो है वहाँ पर जो कब्रों का इंतजाम किया गया आल सऊद की तरफ से, और तकरीबन इसको गुजर रहे हैं तकरीबन 100 साल होने ही वाले हैं, अभी पूरे हुए नहीं हुए 100 साल, तो उसके पर इंतजार मुसलसल होता रहता है और पूरी दुनिया में होता रहता है। यहाँ भी इंशाल्लाह 10 मई को बड़ी करबला में 5 बजे शाम को ये एहतजाज यहाँ पर जो है वो किया जाएगा, और उसमें सरी टाइगर जो यहाँ की ब्रांच है कानपुर की उसकी तरफ से अहतमाम है। लखनऊ से भी मेहमान इंशाल्लाह आ रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अली रेजी साहब वो भी तशरीफ ला रहे हैं, शबीर शमसी साहब भी जो वक्फ बचाओ कमेटी के जो सदर हैं वो भी आ रहे हैं, फिता और दीगर जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ भी कई सुन्नी उलमा जो है वो भी शिरकत फरमा रहे हैं, क्योंकि मसला जो है ज़ाहिर है कि ये शिया सुन्नी मसला नहीं है बल्कि इस्लाम का मसला ये है, और वहाँ पर खबरें जो है तमाम जो असहाब हैं उनकी खबरें भी वहाँ पर खोदी गई हैं, यहाँ तक कि जो मुआदल मोमिनीन हैं उनकी खबरें भी उन्होंने खोदी हैं, उसके बाद हमारे अइमा मासूमीन हैं उनकी खबरों को भी उन्होंने खोदा है। तमाम मुसलमानों का फरीजा बनता है कि सिलसिले में एहतजाज करें, पूरी दुनिया में होता है एहतजाज, लखनऊ में भी होता है, दिल्ली में भी होता है, मुख्तलिफ मकामात पर भी, यहाँ भी एहतजाज है, इसमें इंशाल्लाह शिया और सुन्नी उलमा और हज़रात सब के सब शिरकत करेंगे, आप लोग इसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं।